सैलानियों से पैक कांगड़ा घाटी में सोमवार को हुई तबाही मचाने वाली बारिश ने सब कुछ पानी पानी कर दिया। इस घटना से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जान माल का नुकसान ही नहीं, हिमाचल के पर्यटन कारोबार भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पूरी तरह से पैक होटलों में अब फिर से सन्नाटा पसर गया है। उस दिन के घबराए पर्यटक यहाँ से क्या भागे, अब अन्य लोगों ने भी यहाँ आना बंद कर दिया है। हालांकि अभी हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन इस सारे घटनाक्रम का यहाँ के होटल व्यवसायियों को एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला है। होटल कारोबार फिर 5% तक पहुँच गया है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विनी बांबा का कहना है कि बारिश ने जो तबाही मचाई उससे पर्यटन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों ने बुकिंग कैंसिल करवा दी और जो यहाँ कुछ दिन रुकने वाले थे वह भी तुरंत निकल गए, जिससे होटल कारोबारी ही नहीं अन्य कारोबारियों को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने जो होटल्स के ऊपर पिछले 3 साल के अंदर जो बीत रही है उसका एक हाल जानने के लिए आप आए। देखिए, आप जिस दिन 10, 11 और 12 तारीख को जो भागफू नाग में और जहाँ नीचे सीला में और जहाँ कैथड़ू में और जहाँ बो में जो भी एक भारी बरसात के कारण जो एक हमारे नदियाँ नाले जो तूफान पे आए और उस कारण जो हमारे कुछ घर और कुछ दुकानें उनको नुकसान हुआ। मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत में जो भागफू नाग के अंदर एक नाले के अंदर रुकने के कारण जो पानी सड़क पे आया और आगे जो पार्किंग में 3-4 गाड़ी खड़ी थी वो आपस में दुड़क कर आपस में टकराई, लेकिन जो एक सोशल मीडिया में दिखाया गया, सोशल मीडिया में ये दिखाया गया कि क्लोड ब्रस्ट हो गया और साथ में एक विजन दिखाया जा रहा था भागफू नाग की पार्किंग का और दूसरा विजन दिखाया जा रहा है गज प्रोजेक्ट का, कि जैसे गज ये एक समुंदर है, एक बहुत बड़ा नदी है और जो यहीं पर है और ये सारा बह गया है। और इस पर इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई कि लोग इतने फहम गए, इतने डर गए, जो कि पूरे इस एरिया में अपर धर्मशाला में खास ठहरे हुए थे, कि देखते ही देखते 4 मिनटों के अंदर पूरा का पूरा एरिया खाली हो गया। और दोपहर को होते होते क्या हुआ कि कुछ बिल्डिंगें शायद को जापान की हैं, अफगानिस्तान की हैं, वो भी भागफू नाग से जोड़कर दिखाया गया। बड़ा ही गलत एक मैसेज किया है। ये बताने की कोशिश की गई है, एक सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि ये सारा का सारा एरिया फ्लड हो गया है। सर, कितना करोड़ का नुकसान हुआ है? अरे कम से कम 500 करोड़ रुपए का इस 2-3-4 दिन का नुकसान हुआ है। ये नुकसान क्या हुआ है कि वो जो लोग ठहरे हुए थे वो तो 90% 4 बजते सारे निकल गए। नेक्स्ट डे 99% कैंसलेशन हुई और अगले जो कल वीकेंड है, देखिए आज फ्राइडे है, आज खाली पड़ा है। 99% कैंसलेशन हो गई है, वो आज की नहीं अगले हफ्तों की भी कैंसलेशन हो गई है। इवन जो 21-22 का जो वीकेंड है वो भी खाली हो गया है, उससे अगला भी खाली हो गया है। कहां से बुकिंग हुई? ये देखिए, बुकिंग जो थी ये मेनली पंजाब की थी। उसके बाद ये जो पिछले हफ्ते ही शुरू हुआ था, हमारा दिल्ली शुरू हो गया था, हमारा एमपी का कुछ एरिया शुरू हो गया था, यूपी शुरू हो गया था, इवन हमारे महाराष्ट्र से मूवमेंट शुरू हो गई थी, लेकिन सब तबाह करके रख दिया। देखिए, हमने प्रशासन से तो 3 दिन पहले मेरी डीसी साहब से बात हुई थी। हुआ क्या था कि मैक्लोडगंज के अंदर हमारे होटल स्प्रिंग वैली के ही कोई टूरिस्ट को रोक दिया गया था। पुलिस पर्सनल ने बोला कि हम आगे नहीं जा सकते, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर है। तो मैंने इमीडिएटली आई कॉल द डीसी साहब, और डीसी साहब ने वहीं एसपी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा कि ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन तो नहीं है, तो उन्होंने बोला ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। खैर, डीसी साहब ने इंस्ट्रक्शन दी यहाँ पर, तो इमीडिएटली टूरिस्ट को बहाल किया गया। लेकिन रात को, उसी रात को, परसों को रात को 10:30 बजे मुझे फिर फोन आया ऊपर से मैक्लोडगंज से कि टूरिस्ट को रोका जा रहा है। तो ये बड़ा गलत मैसेज आ रहा है। मैं आज डीसी साहब से मिलना चाह रहा था, लेकिन आज मुझे पता चला डीसी साहब फील्ड पर हैं तो आज नहीं मिल पाएंगे। हम कल डीसी साहब से मिल रहे हैं सारे के अंदर, और कल हम पूरे ही जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। कल हम पर्यटकों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा एरिया 100% सेफ है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई लैंडस्लाइड नहीं है, वो बेझिझक हिमाचल के अंदर आ सकते हैं, मैक्लोडगंज जा सकते हैं, भागफू नाग आ सकते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और सेकेंडली, जो एक डीसी साहब का जो सर्कल निकाला था उन्होंने कि 11-12 तारीख को एक भारी बारिश होने का एक अनुमान है, और अगले 3 दिन एक मॉडरेट है,
वो एक प्रेस ने उसका भी गड़ा गलत एक इंटरप्रिटेशन की और बोल दिया गया कि 5-6 दिन के लिए हिमाचल बंद है। और आज के दिन के अंदर भी प्रेस यही लिख रही है कि सरकार का एक नोटिफिकेशन है, सरकार की एक इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर है कि हिमाचल बंद है। ये गलत बात है, मीडिया को भी एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना चाहिए, जो सच्चाई है वो दिखानी चाहिए और जो झूठे दिखानी चाहिए, लेकिन तथ्यों को मरोड़ तोड़ के नहीं दिखाना चाहिए। इससे एक ऑडिटोरियम के पास खाली होटल ही जुड़े हैं, लाखों अप्लाई जुड़े हैं, हमारे वेंडर्स जुड़े हैं, हमारे गाइड जुड़े हैं, एडवेंचर जुड़े हैं, उनकी रोजी रोटी का शायद किसी ने ख्याल नहीं कर पाए। तो यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक तथ्य जो है वो दिखाया जाए।